নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড, সঙ্গে রয়েছি আমি শুভেন্দু। এখন চোখ রাখবো এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলির দিকে। টিবিএসসি পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেরা 10 ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানালো সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে। সংবর্ধনা জানানো হলো আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে, এই অনুষ্ঠানটি হয়। আবারও জানাবো যে টিবিএসসি পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেরা 10 ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়েছে সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে। জানানো হয়েছে এই সংবর্ধনা, এই অনুষ্ঠানে জেলা শাসক কি জানিয়েছেন শুনবো। ट्वेल्थ का एग्जाम दिया था तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सपने थे और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आके भी हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों के अंदर नए सपने हैं। कुछ कारणों से वो सपने रिलीज नहीं हो पाते या वो अचीवमेंट उस हिसाब से उनके प्रयत्नों से जो होना है वो नहीं हो पाता। तो मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि त्रिपुरा सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी बच्चे मैरिट में हैं, जो बच्चे अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिस तरह का करना चाहते हैं, उसमें जो भी बाधाएं थी पहले, उसको धीरे धीरे आपके साथ कोशिश करके उनको दूर किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी खासकर महिलाओं की जो नौकरी है, हम देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रोपोर्शन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं था। और ये एक स्टडी भी है कि अगर हम लोग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और आम जनता को जो सर्विसेज की जरूरत है वो मिलती है। इसी को सोच के और इसी थॉट प्रोसेस से 33% रिजर्वेशन किया गया है नई पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और इसके लिए मैं आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को धन्यवाद देता हूं कि इस सोच से ना केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा परंतु जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो बच्चे ट्वेल्थ करते हैं, आपको पता है कि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था त्रिपुरा में, लास्ट 20 साल 15 से 20 साल पहले आया है और अभी 200 सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में। इस साल 50 सीटें और बढ़ाई गई हैं, इसमें बहुत प्रयत्न हुआ है एनएमसी लेवल पे और उम्मीद करते हैं आने से एक दो साल में 400 सीटें त्रिपुरा में हो जाएंगी एमबीबीएस की, और या इस साल से या नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि इनमें एडमिशन भी शुरू हो जाए। हम इससे भी ज्यादा कर रहे हैं कोशिश की और मेडिकल की सीटें त्रिपुरा में बढ़ाई जाएं। दूसरा, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी बात हो रही है कि और कोर्स इंट्रोड्यूस हो खासकर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ताकि खासकर हमारी जो बच्चियां हैं जिन्हें स्टेट से बाहर जाने में उनके परिवार को या उनको समस्या होती है, उनको यहीं पे बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके साथ हम लोग AICTC से भी बात कर रहे हैं कि ना केवल NIT में बट बाकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी नए कोर्स इंट्रोड्यूस हों और फैकल्टी इंप्रूवमेंट के दौरान नए स्किल्स भी हमारी बच्चियों को त्रिपुरा के अंदर ही सिखाया जाए। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि IIIT ऑलरेडी फंक्शनल है और मुझे याद है आज से एक साल पहले या दो साल पहले इवन कुछ एक दो बच्चों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज भी मिला था। तो हम IIIT के साथ भी बात कर रहे हैं, उनके नए कैंपस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो हमने उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि IIIT भी अपनी सीट्स को इंक्रीज करेगा और आईटी क्षेत्र में ना केवल एजुकेशन और स्किल में परंतु इवन जॉब्स के लिए भी IIIT के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट गवर्नमेंट आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएट करेगी त्रिपुरा के अंदर। অর্থাৎ রাজ্যের মেয়েদের সশক্তিকরণের জন্য, নারী সশক্তিকরণের জন্য কিন্তু একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যেমনটা জানালেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক। নতুন নতুন যে সমস্ত কোর্স আনার কথা চলছে তিনি সেটাও জানালেন।
পাশাপাশি নারী শক্তি যদি বৃদ্ধি পায়, রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে যদি নারী শক্তি আরো রিপ্রেজেন্টেশন, ওমেন রিপ্রেজেন্টেশন যদি বাড়ে, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রশাসনে একটা ট্রান্সপেরেন্সি বজায় থাকবে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। এবং পাশাপাশি আরো একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যারা কৃতি ছাত্রী তাদের সংবর্ধনার মাধ্যমে কিন্তু তিনি জানালেন যে বার্তাটা দেওয়ার চেষ্টা করলেন যাতে নারীদের আরো সশক্তিকরণ করে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এবং তিনি যে 33% নারী সংরক্ষণের কথা জানিয়েছেন সেটাও আমরা দেখলাম। আরো আমাদের চোখ থাকবে বিভিন্ন আপডেটের উপর, বিভিন্ন খবরের উপর। ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর, দেখতে থাকুন নিউজ ভ্যানগার্ড।